बदमाशों को ढेर कर दिया है। इंस्पेक्टर और सीओ को भी गोली लगी है। इंस्पेक्टर गीतेश, कपिल और एक सिपाही इसमें घायल हुए हैं। सुबह 15 लाख की लूट करके ये बदमाश भागे थे, लेकिन पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया। आज ही सुबह की घटना है जब ये 15 लाख रुपए लूट कर भागे थे और आज ही ये पकड़े गए। बरेली से दीपक हमारे संवाददाता जुड़े हैं। दीपक, आज ही का मामला था और पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, जरा बताइए इस पूरे एनकाउंटर के बारे में। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, सुबह सर्राफ का नौकर 15 लाख रुपए लेकर जा रहा था। सटीक मुखबरी के कारण बदमाशों ने उसे गन पॉइंट पर से 15 लाख रुपए लूटे थे। विरोध करने पर एक नौकर को गोली मार दी, जो जिंदगी और मौत के बीच में भी अस्पताल में जूझ रहा है। पुलिस ने कंबिंग कराई और उनको सटीक मुखबरी मिली कि दो बिना नंबर की बाइक पर 6 बदमाश कहीं जा रहे हैं। इसी के दौरान क्राइम ब्रांच और तमाम टीमों ने थाना पुलिस ने उन बदमाशों को घेर लिया और वो गन्ने के खेत में जाकर एकदम से छुप गए। उसके बाद से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी जिनकी मौत हो गई है, और जो इंस्पेक्टर कोतवाली गीतेश कपिल है उनके भी गोली लगी है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। सिपाही है वो भी गंभीर रूप से घायल है। सबसे बड़ी बात यह है राहुल की मुठभेड़ अभी भी जारी है। 4 बदमाश अभी भी खेत के अंदर बताए जा रहे हैं, जहाँ पर एडीजी, आईजी, एसएसपी सारे अधिकारी कंपनी किए हुए, उनका एक ही मात्र लक्ष्य की बदमाशी गिरफ्तार ही करना। अभी भी एनकाउंटर चल रहा है जैसा कि हमारे संवाददाता दीपक शर्मा बता रहे हैं, और कुल 4 बदमाश छिपे हैं। दीपक, क्या ये चारों जो हैं इस पूरी घटना में, लूट की घटना में शामिल थे? हाँ, चारों ये 6 बदमाश है जिनकी मौत हुई है। इनके पास से 15 लाख रुपए का बैग बरामद हुआ है, और जो 4 बदमाश है जो अंदर छुपे हुए हैं वो भी इसी घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है इनके पास तमंचे के अलावा पिस्टल्स हैं जिनसे फायरिंग की जा रही है। सीओ सिटी कुलदीप कुमार के भी डायरेक्ट फायर किया गया, जो बाल बाल ब्लैक प्रूफ जैकेट पहने हुए की वजह से बच गए, वरना सीओ को भी शायद अपनी जान से हाथ धो बचाना पड़ता। इसी के लिए तमाम पुलिस को लगाकर घेराबंदी की गई है, बदमाश किसी कीमत पर ना निकल पाए। दीपक, मैं आपके पास आऊंगा। अभिनंदन जी जुड़े हैं, एएसपी हैं। अभिनंदन जी, आपका भारत समाचार में बहुत स्वागत। अभी भी एनकाउंटर हो रहा है अभिनंदन जी? हाँ, वो मुठभेड़ हुई है तो अभी लगातार कॉम्बिंग जारी है। जो भागे हुए अपराधी हैं उनके लिए हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं पूरे एरिया की। कितने लोगों को आपने अभी पकड़ लिया है? 2 लोगों को इसमें पुलिस की गोली लगी है, और उन लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। इनसे पैसे भी बरामद हो गए अभिनंदन जी? हाँ, अभी उसमें बरामद हुए हैं, जिसकी पहचान के लिए हम लोग वादी को बुला रहे हैं, उसकी उस पहचान कर रहे हैं। इन्होंने भी फायरिंग की है, बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर को गोली लगी और सिपाही को। हाँ, इंस्पेक्टर कोतवाली को और एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। उन लोगों को भी जिला अस्पताल में भर्ती। उनकी हालत कैसी है दोनों की? अभी फिलहाल ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। ये कैसे आपको इनपुट मिला, चूंकि आज ही का मामला है और आज आपने पकड़ लिया इन लोगों को, जरा कुछ बताएंगे हल्का सा? आज सुबह से जब से ये सूचना मिली थी, हाँ, उसके बाद से ही लगातार हम लोग चेकिंग कर रहे थे। बैरियर लगा के शहर के हर कोने में चेकिंग चल रही थी। उसी संबंध में सूचना आई हम लोगों को कि यहाँ से संदिग्ध लोग, जो वैसा ही हुलिया बताया गया है जैसा कि सुबह लूट में लोग जो थे वो शामिल थे, वैसा ही हुलिया के लोग वहां पर नजर आए, जिसको पुलिस ने पूछा किया तो वो भागे। उसी संबंध में फिर बिल्कुल अभिनंदन जी, हम आपका समय नहीं लेंगे चूंकि आप अभी एनकाउंटर कर रहे हैं। आपने काबिले तारीफ काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार से बातचीत करने के लिए। अभिनंदन है, एएसपी बरेली हैं। ये अभी भी मुठभेड़ में शामिल है चूंकि 4 बदमाश अभी छिपे हुए हैं जैसा कि ये बता रहे हैं। 2 बदमाशों को तो पकड़ लिया गया है और इनके पास से रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं, इनके पास से पिस्टल और तमाचा भी बरामद कर लिया गया है, और अभी ये वहां पर मुठभेड़ में है जहां पर एनकाउंटर हो रहा है, इसलिए हमने इनका समय नहीं लिया। हमारे साथ दीपक शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, अब बस ये चारों का पकड़ना भर बाकी है, शायद पूरी रकम बरामद कर ली गई है। देखिए राहुल, जो व्यापारी की सुबह 15 लाख रुपए रकम लूटी गई थी वो और उसका जो बैग था वो सब कुछ बरामद कर लिया गया। 15 लाख रुपए पूरी की पूरी रकम बरामद कर ली गई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी जिनकी मौत हो गई है। अभी भी कंपनी जा रही है, बदमाशों को भेजने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना हो उसको लेकर एडीजी प्रेमप्रकाश खुद घटनास्थल पर निकल गए और बदमाशों की मुठभेड़ पर गिरफ्तारी का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। चलिए दीपक, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर अगली जो है वो चित्रकूट से है। डीआईजी मनोज तिवारी की टीम को सफलता मिली है। डीआईजी मनोज कुमार की टीम ने, मनोज तिवारी की टीम ने बबली कोल के गैंग पप्पू कोल को गिरफ्तार किया है। बबली कोल के गैंग से आता है ये। पप्पू कोल पर 50,000 रुपए का इनाम है।